हेलो दोस्तों, आप सबका यू आर क्यूरियस में स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत को राफेल का पहला बिच 29 जुलाई को मिल चुका है, वो भी रेडी टू यूज कंडीशन में, और इसे बॉर्डर्स पर डिप्लॉय भी कर दिया गया है। राफेल एक 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है। राफेल के आने के बाद इंडियन एयरफोर्स का स्ट्रेंथ और बढ़ा है, और राफेल के अगेंस्ट में चाइना अपना चेंगडू J20 पोस्ट कर रहा है, और चाइना क्लेम करता है कि J20 फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है, वहीं राफेल 4.5 जनरेशन है। तो अब क्वेश्चन यह है कि भारत के राफेल और चाइना के J20 में से कौन सा एयरक्राफ्ट सुपीरियर है? तो आज आपको इस वीडियो में इसका आंसर मिल जाएगा, इसलिए आप यह वीडियो पूरा देखिए। राफेल को फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने बनाया है, और ये 2 इंजन बेस्ड एयरक्राफ्ट है जो कि सिंगल और डबल सीटर है। राफेल को न्यूक्लियर अटैक्स प्रिवेंट करने, इन डेप्थ स्ट्राइक करने और एंटी शिप स्ट्राइक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और राफेल एक 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है जिसके सिर्फ 201 यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए गए हैं। चेंगडू J20 राफेल की तरह ही 2 इंजन बेस्ड ऑल वेदर एयरक्राफ्ट है, और चाइना क्लेम करता है कि यह एक 5th जनरेशन स्टील्थ एयरक्राफ्ट है। इस एयरक्राफ्ट को चाइना के चेंगडू एरोस्पेस कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया गया है। चेंगडू J20 पहली बार जनवरी 2011 में उड़ाया गया था, और 2017 में इसे चाइनीज एयरफोर्स में शामिल किया गया, और अब तक इसके 50 यूनिट मैन्युफैक्चर किए गए हैं। राफेल एक 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, और चाइना के क्लेम के अनुसार J20 फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है, लेकिन फिर भी राफेल के पास एनफ कैपेबिलिटीज हैं चाइना के J20 को काउंटर करने के लिए। रिटायर्ड एयर मार्शल R.N.B.R. जिन्होंने राफेल का फ्लाइट टेस्ट किया था, उनके अनुसार राफेल चाइना के J20 से कई गुना बेहतर है। भले ही J20 को फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट माना जाता है, लेकिन असल में यह एयरक्राफ्ट 3.5 जनरेशन तक ही ठीक है। चाइना के J20 में 3rd जनरेशन का इंजिन है, जो कि भारत के सुखोई एयरक्राफ्ट में है। अब क्वेश्चन ये है कि आखिर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट किसे कहते हैं? हालांकि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का कोई भी फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है, और ये एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, और अभी के समय में US के F-22 रैप्टर, F-35 लाइटनिंग 2 और चाइना के चेंगडू J20 को 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट माना जाता है। अभी अगर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की बात होती है, तो जो पहली चीज़ सामने आती है वो है स्टील्थ टेक्नोलॉजी, यानी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को उसका एनिमी अपने रेडार में डिटेक्ट नहीं कर सकता। चाइना भी क्लेम करता है कि J20 एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, और उसमें स्टील्थ टेक्नोलॉजी है। अब आपको लग रहा होगा कि J20 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है तो राफेल से बेहतर ही होगा, लेकिन राफेल चेंगडू J20 से बहुत ही सुपीरियर एयरक्राफ्ट है, क्योंकि US कहता है कि चाइना का J20 अमेरिका के F-22 रैप्टर का कॉपी है। और आपको ये न्यूज़ भी देखने को मिला होगा कि राफेल ने एक कैरियर डॉग फाइट में US के F-22 रैप्टर को शॉट डाउन कर दिया। ये 2009 की बात है। एक जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान F-22 राफेल के रडार में आ गया था, और राफेल ने F-22 पर मिसाइल छोड़ दिया था। हालांकि राफेल ने असली मिसाइल नहीं छोड़ा था, सिर्फ अपने सॉफ्टवेयर पर ही टारगेट किया था। अब आप सोच सकते हैं कि अगर F-22 रैप्टर, जो कि एक 5th जनरेशन स्टील्थ एयरक्राफ्ट है, उसे राफेल अपने रडार में डिटेक्ट कर सकता है और उसे शॉट डाउन कर सकता है, तो J20, जो कि F-22 रैप्टर का कॉपी है, उसे डिटेक्ट करना और शॉट डाउन करना राफेल के लिए कितना आसान होगा। इसी यह पता चलता है कि 5th जनरेशन स्टील्थ एयरक्राफ्ट को भी राफेल इजीली डिटेक्ट कर सकता है, यानी राफेल किसी भी एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सकता है। कहा जाता है कि 4.5 और 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट में AESA रडार होना चाहिए। ये एक एडवांस रडार है जो कि राफेल में है, और कहा जाता है कि चाइना के J20 में भी ये रडार है। इसके एडिशन में राफेल के पास स्पेक्ट्रा सिस्टम है, जो कि राफेल का इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है। ये एक बड़ा फैक्टर है जो राफेल को सुपीरियर फाइटर एयरक्राफ्ट बनाता है। ये एक रडार जैमर है, यानी राफेल अपने दुश्मन के रडार को जैम भी कर सकता है। इस सिस्टम की मदद से राफेल इंफ्रारेड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लेजर थ्रेट्स को भी दूर से ही डिटेक्ट, आइडेंटिफाई और उसका एक्यूरेट पता लगा सकता है, और अपने तरफ आते हुए मिसाइल को भी डिटेक्ट कर सकता है। इसके साथ राफेल भी एक स्टील्थ एयरक्राफ्ट है, और एनिमी के रडार में जल्दी नहीं आता। राफेल क्लोज एंड डॉग फाइट में US के F-35 से भी बेहतर है। तो आप सोच सकते हैं कि चाइना का J20 राफेल के सामने कहाँ स्टैंड करता है। लॉन्ग रेंज में भी राफेल मीटर मिसाइल्स की मदद से J20 को इजीली टारगेट कर सकता है, और सबसे बड़ा डिफरेंस यह है कि राफेल एक ओमनी रोल एयरक्राफ्ट है, और राफेल एक बार में कम से कम 4 मिशंस को अंजाम दे सकता है, वहीं J20 एक बार में मल्टीपल मिशंस कंडक्ट नहीं कर सकता। इंजन के मुकाबले में भी राफेल का इंजन चाइना के J20 से ज़्यादा पावरफुल है, और राफेल सुपरसोनिक स्पीड से भी उड़ सकता है, वो भी कम फ्यूल में। और सबसे बड़ी बात यह है कि राफेल अफगानिस्तान, लीबिया और सीरिया में रियल बैटल में भी यूज़ हो चुका है, वहीं चाइना का J20 किसी भी बैटल में अभी तक यूज़ नहीं किया गया है।